नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अभी हमारे हाल ही में हमारे देश में एक और नया र्यूमर आया है जो फैला हुआ है कि जो विजय माल्या है उन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया है कि लंदन जाने से पहले वो अरुण जेटली से मिले थे और उन्होंने जो उनका जो कर्ज या जो बैंक का पैसा बाकी है उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने उनसे बातचीत की थी। और उसके बाद जो अरुण जेटली से प्रतिक्रिया आ रही है कि वो मिले थे लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं की थी और ना ही मैंने किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट करने को कहा था, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे बीच में विशाल राजपूत जी मौजूद हैं। विशाल राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। विजय माल्या ने आरोप लगाया है कि अरुण जेटली जी से वो मिले थे लंदन जाने से पहले और सेटलमेंट की बात की थी, जो भी बैंक का पैसा देना है। लेकिन अरुण जेटली जो है वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो क्या कहेंगे इसमें कि क्या विजय माल्या झूठ बोल रहे हैं या अरुण जेटली? देखिए, जहाँ तक बात वर्तमान सरकार की है, वर्तमान सरकार की नीति की है, वर्तमान सरकार की नियत की है, मैं आपको बता दूं सुनील जी कि लगातार वर्तमान सरकार के ऐसे बयान जो हम लोगों को आए दिन देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी के वादे हो चाहे अरुण जेटली का, ये सबसे बड़ा झूठ। मैं आपको बताऊं, ये सरकार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत ही कमजोर करने का काम लगातार करते आ रहे हैं। 4.5 साल में ये स्थिति हो गई कि आम जनमानस जो है त्राही त्राही कर रहा है। जहाँ तक बात आप विजय माल्या की कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, विजय माल्या साहब इस देश से जाने से या भागने से पहले खुद बयान करते हैं कि इस देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात क्या थी वो तो माल्या साहब और अरुण जेटली साहब ही बता सकते हैं। मगर जहाँ तक विपक्ष का मानना है, विपक्ष का ये मानना है कि 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर यदि कोई व्यक्ति इस देश से भाग जाता है और वर्तमान सरकार मुख बाधिर होकर देखती रहती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी बयान आता है कि माल्या साहब या देश का इतना बड़ा उद्योगपति देश से बाहर भाग रहा तो किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। इसका मतलब इन दोनों की मुलाकात की सूचना आज से कुछ ही महीना पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान टीवी चैनल के बयान के जरिए जनता के सामने लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो इस चीज माल्या देश छोड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता को पता था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता का सह था। और ये विजय माल्या के साथ ही नहीं हुआ। आप तो सोचिए कि 9,000 करोड़ रुपये विजय माल्या लेके भागते हैं, मोदी साहब पैसा लेके भाग जाते हैं, चौकसी पैसा लेके भाग जाते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बिजनेस टाइकून हैं, जो भारत का पैसा विदेशों में लेके भाग रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है, मतलब जब से भारत देश भारतीय जनता पार्टी की तो प्रवक्ता जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट करते हैं, समित पात्रा जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कर्ज के लिए जो है मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी या कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, कांग्रेस का हाथ था कर्ज देने में। ऑलरेडी उनकी कंपनियां जो घाटे में थी, उनका जो कंपनियां हैं, जो अकाउंट है उनका एनपीए हो रहा था, और इसके बावजूद उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने उनको कर्ज दिया, तो कहने की उनकी मिली भगत है, कुछ ऐसा आरोप लगा। देखिए, मेन बात है कि जहाँ तक संबित पात्रा जी का बयान है, पूरा हिंदुस्तान संबित पात्रा के बयानों को सीरियस नहीं लेता, हास का पात्र बन चुके हैं पूरे भारत देश की जनता के सामने। जहाँ तक बात है कि कर्ज देना बैंक, भाई यदि कोई उसे अपने उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके यदि कर्ज ले रहा है तो बैंक कर्ज दे रहे हैं। कर्ज देना और कर्ज वसूलने में बड़ा अंतर होता है। भारत ऐसा क्या था कांग्रेस के समय में कि नीरव मोदी साहब हो गए, माल्या हो गए, चौकसी हो गए, उनकी हिम्मत नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार में इस देश को छोड़ सके, क्योंकि हमको कर्ज यदि आपने कहा कि यदि कांग्रेस ने कर्ज दिया है तो हमको कर्ज वसूलना भी आता था। मगर ऐसा कौन सा संबंध, ऐसा कौन सा रिश्ता निभाया जा रहा था वर्तमान सरकार के प्रति मोदी के साथ, चौकसी के साथ, माल्या के साथ, कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है बाइज्जत बादशाह सम्मान इनको विदेश भेजा जाता है। और मेरा यहाँ तक मानना है कि इन दोनों के बीच में लगातार बातें होती आ रही है। मैं आपको बता दूं, जब से देश आजाद हुआ है भारत की कोई भी पार्टी हो, 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के कोष में आता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये पहले एक जो ये डील थी, ये पहले इनके नेताओं में हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोष बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कोष को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते हैं माल्या, नीरव मोदी, चौकसी, इनका हाथ है। और अब जैसे माल्या का बयान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भारत के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक बची नहीं। कहीं ना कहीं इनके दोहरा चेहरे जो था हिंदुस्तान की राजनीति में, वो जनता के सामने जब जाहिर हो चुका है। विशाल जी,
एक नाटकीय तरीके से अरुण जेटली ने कह दिया कि हाँ मैं मिला था लेकिन मैं सदन से बाहर निकल रहा था, अपने कमरे में जा रहा था और वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और मेरे सामने कुछ ऐसे मैंने बात की लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज कर दिया। मेरा आपसे ये जानना है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जो राज्यसभा का सदस्य हो, वो वित्त मंत्री से किसी कॉरिडोर में या किसी गैलरी में दौड़ते हुए जाके मिलेगा बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अरुण जेटली जी ने कहा कि नहीं वो तो बस वहाँ मेरी तरफ दौड़ते हुए आए थे और कुछ बात कर रहे थे, कोई कागज भी देना चाह रहे थे लेकिन मैंने नहीं। देखिए वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब इसमें किसी को कहने की स्थिति में नहीं है, जनता के सामने जो था वो जग जाहिर हो चुका है और इनका माल्या प्रेम तो बहुत पहले जग जाहिर हो गया था जब उसको उन्होंने राज्यसभा सांसद बना के भेजा था कांग्रेस पार्टी का, उनको राज्यसभा सांसद तो उनके प्रेम में कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं है, जब जाहिर है भाई वो तो उन्हीं के आदमी थे, इतने नज़दीकी थे, जब कोई राजनीति में नज़दीकियाँ होती तभी ना तभी इतने बड़े पद दिए जाते हैं, उनको सांसद बना दिया राज्यसभा का और बता रहे हैं कि जबरदस्ती मिलने की जहाँ तक बात आती है तो खुद कुल मिला के जिस जगह पे इनसे मुलाकात हुई वो कोई नॉर्मल स्थान नहीं था और वो देश के संसद है। मेन बात है कि वहाँ पे यदि इनकी मुलाकात हो रही तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण में संलिप्त है और इस चीज़ को उनको स्वीकार लेना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे मैं आपको बता दूँ कि चाहे खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे चाहे चाकू पर खरबूजा गिरे, नुकसान खरबूजे के होगा। तो आज जो भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, नुकसान को जोड़ करने का काम, भारत देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम, बर्बाद करने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब और उनके चहेते अरुण जेटली और उनके मित्र विजय माल्या साहब। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं मोदी सरकार हमेशा अर्थव्यवस्था को लेकर, देश में विकास को लेकर, देश में शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर बात करती है, बड़े बड़े वादे किए, कुछ पूरे किए, कुछ चल रहे हैं, कुछ आश्वासन भी दिया है। आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है कि सस्ता डीजल हो, सस्ता पेट्रोल हो जिससे आसानी से आ जा सके, शिक्षा चाहती है उसके बच्चे पढ़ सकें, और क्या चाहती है? रोज़मर्रा की चीज़ें जिस पर GST वगैरह इन्होंने लगा दिया, जनता भ्रम में है, आधे को अभी तक नहीं पता है कि GST क्या है, कैसे वसूला जा रहा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है आपसे हमें ये है कि जो पेट्रोल डीजल का दाम और डॉलर रुपया जो गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, इतना सब कुछ विकास के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, नोटबंदी करने के बाद भी देश में ये हालात हैं, किस प्रकार का विकास है, ये किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है, ये तो सीधे लोगों की जेब में टाका डाला गया है। देखिए भारत देश की जहाँ तक बात करते हैं, भारत देश विश्व का एक ऐसा देश है कि यहाँ पर सभी लोग समान हैं, हर अर्थव्यवस्था के लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ पे निम्न वर्ग भी है, मध्य वर्ग भी है, उच्च वर्ग के काफ़ी लोग रहते हैं, मगर जो एक बहुत बड़ा आकलन है वो मध्यवर्गीय फैमिली का, जो रोज़ अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करता है। आपको बता दूँ जैसे कि मोदी साहब ने बोला, जैसे मोदी साहब की सरकार आती है वो बोलते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री बनते ही जो बोरल का रेट था बैरल तो 35 रुपये हो गया। मैं आपको बता दूँ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बैरल 126 में चल रहा था, तब हम इस देश की जनता को 55-60 रुपये में तेल देते थे और जनता के ऊपर ज़्यादा भार न लग पाए, कहीं ना कहीं हम उसका प्रयास भी करते थे क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत संघर्षशील सम्मानित जनता है। इसीलिए आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े सरकार आने से पहले बोला गया कि एक समय ऐसा आएगा जब नहीं, आपने बैरल के रेट की बात की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आई जिसमें दिखाया गया कि दुनिया के 23 ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोल और डीजल 100 के ऊपर बिक रहा है। 100 में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, नीदरलैंड का दिया, अमेरिका का दिया, क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको बता दूँ कि मैं आपकी संज्ञान में चीज लाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ कच्चा तेल पदार्थ है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हम लोग दूसरे देश में निर्यात करते हैं, पाकिस्तान में हम लोग 35 रुपये में निर्यात कर रहे हैं। अचंभे की चीज़ है संजीव जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने पड़ोसी राज्यों को या मित्रवत राष्ट्रों को जब हम अपना तेल जो है वो 35 रुपये में पर लीटर दे सकते हैं तो वही हिंदुस्तान की जनता, वही हिंदुस्तान की जनता 85-88 की तेल की मार को झेल रही है। तेल का मतलब सिर्फ गाड़ी में डालने से नहीं है, यदि तेल महंगा होता है तो खाने से संबंधित चीज़ें, रोजमर्रा की चीज़ें,
पेट्रोल डीजल गाड़ी घोड़ा आयात निर्यात जितना भी हम लोग का जो निचले स्तर का व्यापार है वो सब डीजल पेट्रोल पे आधारित है, जो कहीं ना कहीं आज देश की जो चरम सीमा पे महंगाई फैल रही है। मोदी साहब को उसको रोकने लगाना चाहिए, तो जनता तो 2019 का पूरा मूड बना चुकी है कि जो कहा जाता था कि अब की बार मोदी सरकार, ये नारे में दम है, क्योंकि आप खुद जान लीजिए अब की बार नीरव मोदी की सरकार, अब की बार ललित मोदी की सरकार। तो कुल मिला के जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, देश की अर्थव्यवस्था को काबू डॉलर के बारे में जा रहा है। देखिए डॉलर गिरता जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इनके अर्थशास्त्री कहां से पढ़ के आए हैं, किस अर्थशास्त्र का। नोटबंदी इतना बड़ा देश में, देखिए नोटबंदी ने देश को कमजोर करने का काम किया, मध्य वर्गीय परिवारों की। नोटबंदी के बाद अगर नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद भी रुपया जो है वो गिरता जा रहा है, 72 रुपए का रेट हो गया। देखिए मैं बात नहीं जा रहा है, मैं आपको बता दूं मोदी साहब 2017 में राष्ट्र के नाम संबोधन में लाल किले के ऊपर 15 अगस्त को बोला कि 13 लाख करोड़ रुपया काला धन हिंदुस्तान में आया। उसके बाद अभी आरबीआई की रिपोर्ट आती है, आरबीआई की रिपोर्ट में 99% काला धन जो वापस हो गया। तो साहब ये आरबीआई झूठ बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक डॉलर की बात रही तो मोदी साहब को मेरा अपना मानना है, मोदी साहब को अरुण जेटली साहब को डॉलर के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। जैसे वो कहते थे कि डॉलर का एक समय ऐसा आएगा कि रुपया डॉलर से महंगा हो जाएगा, सारी चीजें आपके सामने जग जाहिर है, जनता उस चीज को देख चुकी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। तो नोटबंदी क्या थी, नोटबंदी रुपया लुढ़कता जा रहा है, देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप। अरुण जेटली तो नोटबंदी को बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन नोटबंदी के बाद जो है देश की अर्थव्यवस्था में एक नया नई चीजें जुड़ेंगी। देखिए मैं आपको बता, विश्व विख्यात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह साहब जानते हैं, पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि वो देश के एक सर्वोत्तम अर्थशास्त्री रहे हैं। आज भी यदि मोदी साहब को, अरुण जेटली साहब को देश के प्रति कुछ प्रेम होता है तो उनको कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ सलाह मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत ही प्यारे तरीके से संवारने सजाने का काम किया, देश को बसाने का काम किया है, देश के लोगों को दर्द को जमीन पर जाकर समझने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को हम लोग ने मजबूत करने का काम किया है। मगर नोटबंदी देश के लिए इतना बड़ा अभिशाप साबित हो गई, इस देश में नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ नोटबंदी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने काले धन को सफेद करना था, इसलिए नोटबंदी की जरूरत थी, और वही नोटबंदी आज देश के लिए अभिशाप साबित। विशाल जी देश में हर दिन एक नए मुद्दे पर बहस हो रही है, पब्लिक उन्हीं मुद्दों के बीच में फंसी है, सवाल जो है वो आते जा रहे हैं, जवाब ना जनता को कोई मिल रहा है, ना जनता जो है वो संतुष्ट हो रही है सरकार के कामकाज से। SC ST एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है देश में, सवर्ण समाज रोड पे आ गया, भारत बंद 6 सितंबर को किया गया, देश में जो दलित है वो अपना एक अलग आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आंदोलन में मारे भी जा चुके हैं। इसी बीच अभी कल भीमसेना के चंद्रशेखर रावण को रिहा हुआ है और उसने खुल के बोला है कि मैं बीजेपी को उखाड़ के फेंकूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। किस प्रकार का देश में माहौल बन रहा है, किस प्रकार के किया खराब हो रहे हैं, जिससे आम जनता पर और देश की सरकार पर किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है, इसके बारे में। देखिए संजीव जी, पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बोला कि ना इस देश में जवाब देते बन रहा है, रोज मुद्दे बदले जा रहे हैं, रोज बहस हो रही है, एक जगह स्थिर सरकार नहीं। तो संजीव जी मैं पहले आपको बताऊँ, किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुभव का बड़ा एक अपना महत्व होता है, अनुभव के अपना बड़ा स्थान होता है। वर्तमान सरकार के पास कुल मिला के आप पूरा देश के माहौल को देखिए, खासतौर उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अनुभव की कमी है। और जब अनुभव की कमी होती है तो संजीव जी मैं आपको बताऊँ, अधिकारी प्रशासन जितना भी सरकारी महकमा होता है आपके हाथ से काम नहीं करता। जैसे आपने बोला कि अभी दलितों के लिए बोला, अभी रावण जो चंद्रशेखर रावण जी उन्होंने बयान दिया कि मैं जैसे छूट जाऊँगा मैं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ दिखाई दूंगा, तो कांग्रेस कभी इस विचारधारा पर काम नहीं करता। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी सदैव सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है, सबको एक साथ उत्थान की बात करती है। और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि इस देश को बसाना संवारना सहजना वो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से किया, और आज़ादी में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मगर जहाँ तक बात आती है दलित उत्पीड़न,
मैं आपको बता दूं, आप ऊना का कान उठा के देख लीजिए, वो एक बैमला की शैक्षणिक हत्या होगा, आप उस पर गौर करिए। फिर सहारनपुर का कान उठा के आप देख सकते हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत भी आप यदि आप देखते हैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार आई है, क्राइम का जो रेशियो है काफी बड़ा हुआ है। और यदि हम दलित बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिदिन 6 महिलाओं का बलात्कार इस हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। जहां तक बात देश की आती है तो वर्तमान सरकार भी SC ST एक्ट को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी जो गरीब दबा कुचला तबका है उसको समान अधिकार देने का की जो सोच थी वो हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, माननीय राजीव गांधी जी के समय पे हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज उसी SC ST एक्ट को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के सामने किस तरह लाने का काम कर रहे हैं, किस तरह पेश करने का काम कर रहे हैं, इससे साफ जग जाहिर होता है कि जो विकास के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी को लेकर हिंदुस्तान में आई तो वो पूर्ण रूप से जुमलेबाजी साबित हो गई। आज उसके पास इस देश को बताने और दिखाने और करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने SC ST के द्वारा दलित को और सवर्ण जात को लड़ाने का काम किया, आपस में बांटने का काम किया है। आपको मैं बता दूं, 2 अप्रैल की घटना के बाद हिंदुस्तान में जो दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा इसको नकारा भी नहीं जा सकता। सरकार की जो मंशा थी कि इस देश में फूट डालो राज को, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों पर वर्तमान सरकार काम करती है, क्योंकि यदि इनका हम पुराना इतिहास भी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बहुत करीब पाए जाते हैं, इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी हिसाब लेगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने जब अंग्रेजों से हिसाब ले लिया ये तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से लोग हैं, इनसे हिसाब ले लेंगे। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने हरदम, चाहे वो सवर्ण जात का हो, चाहे वो पिछड़ी जात का हो, चाहे वो SC जात का हो, सबको समान अधिकार में लाने का, संविधान सबको समान अधिकार देने की बात की है। और कहीं ना कहीं आप खुद देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कभी कांग्रेस की पार्टी में आपने ये सुना था कि सवर्ण के द्वारा भारत बंद किया जाएगा? कभी आपने सुना था कि दलितों के द्वारा भारत बंद किया जाएगा? आप पता करिएगा अपने माध्यम से, कांग्रेस की सरकार में आज तक कभी इस तरह के जन आंदोलन नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सर्वदम खिलाफ है कि ना वो चाहेगी कि समान वर्ग पे किसी प्रकार का उत्पीड़न, ना दलित वर्ग पे उत्पीड़न, क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग पे उत्पीड़न। इस देश को यदि बनाना है, संवारना है, तो हमको सारे वर्गों का सहयोग लेकर चलना है, क्योंकि इस देश हमारी मंशा है कि हमारा जो देश है वो विश्व के जो पायदान है, जो विश्व की सूची है उसमें प्रथम पायदान पे खड़ा रहा, हमारा इतिहास रहा है, हमने बांटा है। हम ये नहीं कह रहे हमने नहीं बांटा, हमने यदि बांटने और तोड़ने का काम किया है तो पाकिस्तान को बांटने और तोड़ने का काम किया है, हिंदुस्तान को बांटने और तोड़ने का काम नहीं किया है। हमारे नेताओं ने सिर्फ यदि इस देश के लिए बलिदान दिया है तो हिंदुस्तान को बनाने के लिए, संवारने के लिए इस देश के लिए बलिदान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा जग जाहिर हो चुकी है, फूट डालो राज करो, अंग्रेज की नीति का पालन कर रही है और देश की जनता को आपस में लड़ा के अपने सिद्धांतों को खरा साबित करके इस देश पर राज करना चाहती है। मगर अब समय आ चुका है, भारत का आम जनमानस जा चुका है, और 2019 में हम सारे विपक्षी दल एकजुट होकर भारत की जनता का आशीर्वाद लेकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी की जो अंग्रेज नीति है उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि इस हिंदुस्तान की धरती पर हमारा इतिहास रहा है कि जब जब इस देश पर संकट आया है तो कांग्रेस पार्टी ने उस संकट को अपने सीने पर लिया है और इस देश को संवारने और बनाने का काम। विशाल जी, सिटी न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज नेटवर्क।